हेलो एंड वेलकम बैक वीवर्स, आप सभी का स्वागत है HPSL के यूट्यूब चैनल पर। और अब एक और मैच लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हो चुके हैं। मैच होने जा रहा है हिमालयन पैंथर और टीम चमहाना के बीच। तो टॉस जीतकर हिमालयन पैंथर बल्लेबाजी करने थोड़ी देर में आप सभी के सामने, बने रहिए इस चैनल पर। 8-8 ओवर का ये मैच, स्ट्राइक पर आए हैं पवन, 9 स्ट्राइक पर हैं लकी और गेंदबाजी पर है अरुण। मैच की पहली बॉल, अटकी हुई गेंद, उसे गैप ढूंढा है। जी हाँ, इसी बीच एक रन से खाता खोला है। सामने होंगे लकी और एम्पायर का इशारा, निश्चित रूप से वाइड। फुल टॉस, और फुल टॉस को सही नसीहत देते हुए 6 रनों के लिए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद और जोरदार अपील, और यहाँ पर LPW आउट। एक ओवर के बाद स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन जरूर यहाँ पर। इस बार गैप ढूंढा है, पीछे फील्डर है जरूर, लेकिन शायद अभी भी बॉल बाउंड्री से दूर। जरूर यहां पर 2 रन जरूर बचाए हैं, दौड़कर 2 रन पूरे किए। 2 ओवर के बाद स्कोर है 16 रन। पार किया। इस बार क्लीन बोल्ड, और वहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया शायद अच्छी गेंदबाजी। और इस बार बॉल हवा में नीचे, और कीपर नहीं का सांसा कैच। पवन को जाना होगा वापस, और यहां पर गेंदबाजी अच्छी होती हुई। नीरज थोड़ी सी जल्दी में यहाँ पर, अभी तक बांध के रखा है बल्लेबाज को। और इस बार हवा में बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, और शुभम ने एक जबरदस्त कैच पकड़ लिया है, और एक बहुत बड़ा झटका लगा है ये टीम को। इस ओवर में ये दूसरा बाउंड्री को पार करने के लिए। एक रन और पाई के रूप में आता हूँ, शॉट गेंद और से खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद वहां पर G1-2 का इशारा एम्पायर द्वारा। 4 ओवर के बाद स्कोर है 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर क्लीन बोल्ड, लेकिन काफी बॉल करके एंड ब्लॉक हॉल में सीधा, लेकिन गैप में खेला है। एक रन से अपना स्टैंडिंग चलेंगे आशु के लिए। अच्छा ड्राइव वहां पर गैप में सीधा 2 रन। 5 ओवर के बाद स्कोर है 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। प्रसिद्ध और जबरदस्त ये, और जबरदस्त वहां पर प्रयास, बहुत ही काबिले तारीफ। वॉलंटियर्स का इशारा आना बाकी, शायद आउट। अच्छा कैच वहां पर मिस्टर रिशु का। ये अंतिम गेंद में क्या कर पाते हैं हितेश, और खेला है स्पैन का भारी किनारा थर्ड मैन की दिशा में। डायरेक्टर वहां पर लेंगे एक रन। खिलाड़ी इस टीम में चमियाना में आज एक रन लेके से दूसरा रन पूरा किया वहां पर। बाकी वहां पर चमियाना के इसमें विश्वास करके अजूबली का, जैसे मारती आज
एक टीम को एंट्री भी नहीं करवा पाई, एंट्रियां बंद हो चुकी थी। 25-26 खिलाड़ी है चमियाना के पास। मिस्टर लकी ने मारा था वो छक्का, और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, और 6 रनों के लिए 6 रन का इशारा। और जबरदस्त ये शॉट, निश्चित रूप से 6 रन। जी हाँ, कदमों का सही इस्तेमाल। दलीप चले देश के लिए, और वहां पर स्टंप आउट अंतिम गेंद में। ओवर के बाद स्कोर बना है 61 रन, 62 रनों का लक्ष्य रखा है टीम चिमियाना के लिए। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं, 62 रनों का पीछा करती हुई टीम चिमियाना। स्ट्राइक पर आए हैं शुभम, नॉन स्ट्राइक पर है सैंडी। पहली गेंद लेकर नीरज, और पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। पावर प्ले में पूरा फायदा उठाने का प्रयास है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। सुंदर शॉट वहां पर, गैप में खेला है, तेजी से एक रन पूरा किया, दूसरे की तलाश, और 2 रन पूरे कर लेंगे वहां पर मिस्टर शुभम। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन। सौरभ चले, सीधा खेला है गेंदबाज के सिर के ऊपर से, सीधा फील्डर के हाथ में। और यहाँ पर क्लीन बोल्ड फाड़ दिया है मिस्टर शुभम का, मिस्टर सौरभ ने क्रॉस ऑफ विकेट गए, सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा इस विकेट पर, क्योंकि गेंद जो टीम के कप्तान है। 2 ओवर के बाद स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट रन गया तो से खेला है, गैप में पहुंच जाती है, एक रन से पूरा किया, 2 रन चुरा लिए वहां पर मिस्टर दिलीप ने। दो तीन टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वापस से खेला है गैप में, फील्डर से वहां पर चौका रोक दिया है, मात्र 1 रन है इस बार। बॉल हवा में, बॉल के नीचे 3 खिलाड़ी, और तीनों में से एक में भी कोशिश नहीं की कैच को लपकने। बढ़िया बढ़िया सैंडी भाई, जाओ। शायद ये एक बड़ा जोखिम हो सकता है टीम के लिए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ा है। तीन ओवर के बाद स्कोर है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच आगे बढ़ता रहेगा, और ये देखिए खेला है उसे फील्डर उसके नीचे, जबरदस्त कैच वहां पर भागकर। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ ये सौरभ का, फिर से 4 ओवर के बाद स्कोर है 23 रन।5 ओवर के बाद स्कोर है 28 रन, अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत है, मात्र 18 गेंदे शेष, 62 रनों का पीछा कर रही है टीम चमियाना, 18 गेंदे 34 रन। अब सामना करेंगे अमरेश, रोका गेंद को, और बाउंड्री भी बचाई अपनी टीम के लिए।
बनाने होंगे। अर्धकेला है मोटी लाइन की तरफ जाती है फील्डर के नीचे और वहां पर शायद चुके और अंपायर का इशारा चार रन है। कैच के प्रयास के लिए आए जरूर थे हालांकि दिक्कतें आ रही है उन्हें खेलते हुए। ये देखिए और वहां पर कैच आउट मिस्टर मनीष भी एक और झटका लगता हुआ चमियारा को। 12 गेंदे 26 रन और गेंदबाजी पर है नीरज और इस बार उठाकर तो जरूर खेला है पीछे फील्डर मौजूद है एक रन पूरा कर लेंगे दूसरे रन का यहाँ पर दो रन के बीच में तो शायद स्कोर में आ सकते हैं। अरुण बाजा पीछे दो रन और छह गेंदे और 17 रनों की दरकार जीत के लिए 6 गेंदे 17 रन ये चले आशु और पहली ही बॉल हवा में खिलाड़ी उसके नीचे और कोशिश बहुत ही अच्छी इसी बीच 2 रन अच्छा प्रयास था अपने फॉलो थ्रू में रन ना हो जाए। बॉल का कोई संपर्क नहीं वहां पर एक्स्ट्रा के रूप में बाई के रूप में 4 रन आते हुए गाड़ी के लिए तैयार रहे और इसी बीच मैच समाप्त होता हुआ और मैच को जीता है हिमालयन पैंथर ने। तो 10 रन से जीता है इस मैच को और अगले दौर में प्रवेश किया है।